दोस्तों सब्सक्राइब करें टेक्निक फीवर को और दबाएं बेल के आइकन को टेक्नोलॉजी वीडियो हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया है कैसे आप अपने आधार कार्ड को पीवीसी प्लास्टिक पर प्रिंट करवा सकते हैं, वो भी सिर्फ 25 रुपीज में। आपको कुछ इस तरह का पीवीसी प्लास्टिक कार्ड मिल जाएगा जो कि एकदम आपके क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड की तरह होगा। उसमें आपको कोई भी पेपर नहीं होगा, पीवीसी प्लास्टिक का होगा और एकदम अच्छी क्वालिटी में, अच्छी प्रिंटिंग क्वालिटी में आपको मिल जाएगा। उसकी जो कॉस्ट आपको पड़ने वाली है वो सिर्फ 25 रुपीज उसकी कॉस्ट है। तो इसका पूरा प्रोसेस जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए पूरा वीडियो। मेरा नाम है अजीत, आप देख रहे हैं टेक्निक फीवर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको printaadharpvc.com वेबसाइट अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर खोलनी है। जब आप वेबसाइट खोल लेंगे उसके बाद राइट हैंड पे आपको अप्लाई फॉर पीवीसी कार्ड और रेट कैलकुलेटर दिखेगा। आप वहाँ पर रेट कैलकुलेटर कर सकते हैं। आपको हर एक कार्ड की कॉस्ट जो 25 रुपीज़ पड़ेगी और आपको वहाँ पड़ेगा एक कुरियर चार्ज। आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड ऑर्डर करके कुरियर चार्ज को कम कर सकते हैं। आप जितने ज़्यादा कार्ड ऑर्डर करेंगे वहाँ पर आपको कुरियर चार्ज सेम ही पड़ेगा लगभग। तो आप मैक्सिमम क्वांटिटी में कार्ड ऑर्डर करें अपने घर परिवार के सब लोगों के, तो आपको फायदा उसमें ये रहेगा कि आपको कुरियर चार्ज सिर्फ एक बार देना पड़ेगा। आपके जो कार्ड की कॉस्ट है वो 25 रुपीज़ ही रहेगी। आप चाहे जितने भी कार्ड वहाँ से प्रिंट करवा लें। उसके बाद फिर हम चलते हैं अप्लाई कार्ड प्रिंट पे। उसके बाद हमें यहाँ पे दो तरीके हैं हमें प्रिंट कराने के लिए। आई है आपके पास अगर ई आधार की सॉफ्ट कॉपी है तो आपको सिर्फ ब्राउज करके वो कॉपी यहाँ अटैच कर देनी है, आधार नंबर डालना है और अपने एरिया का पिन कोड डालना है जो आपके एड्रेस में, और क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है कि आपको कितनी क्वांटिटी में प्रिंट चाहिए। दूसरा तरीका है अगर आपके पास ई आधार नहीं है, आपके पास रिसिप्ट है आधार कार्ड की, तो आप वहाँ पर इनरोलमेंट आई डाल सकते हैं और डेट और टाइम जो वहाँ पर लिखा रहता है आपकी रिसिप्ट पर वो डाल सकते हैं, नाम पिन कोड क्वांटिटी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ई आधार खुद से डाउनलोड करें और पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसी से यूज़ करें। तो आप यहाँ पे अटैच कर दें जो आपकी ई आधार की कॉपी है, आधार नंबर जहाँ डाल दें, पिन कोड डाल दें, उसके बाद क्वांटिटी सेलेक्ट कर दें जितनी क्वांटिटी आपको अपने कार्ड की चाहिए। आप चाहें तो ज़्यादा कॉपी बना के रख सकते हैं और अपने परिवार की ऐड करने के लिए आपको दोबारा से प्रोसीड करना पड़ेगा। आप तो इसके बाद अब मैंने प्रोसीड करके कर दिया, आप दोबारा से एप्लीकेशन दोबारा भर के दोबारा कन्फर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेमेंट के लिए आपको पेटीएम का ऑप्शन आता है, तो आप पेमेंट कन्फर्म करेंगे तो पेटीएम से ये पे करते हैं इतना अमाउंट। उसके बाद जो पेटीएम की ट्रांजैक्शन आईडी आपको जो मिलेगी, आप वहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी डालें, अपना नाम डालें, मोबाइल नंबर डालें, ईमेल डालें और अपना एड्रेस डालें जिस एड्रेस पर आप चाहते हैं अपने कार्ड को प्रिंट होकर कंट्री डाल दें। बाकी सारे डिटेल्स आप ये भर दें। डिटेल्स भरने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा एक सेकंड के अंदर जब आप पूरे पिन कोड वगैरह डाल देंगे। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा कि आप हर चीज़ बड़े सही से डालें क्योंकि गलत होने पे आपका आधार गलत जगह से हो सकता है। तो इसलिए हर चीज़ को फिल करते समय हमें ध्यान रखें कि आप सही से हर चीज़ अपने प्रॉपर डालिए। तो आप इसको एग्री करके आगे कर दें तो आपका यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपका ये कार्ड आपके एड्रेस पे आ जाएगा सिप होके, तो आप इसको देख पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे और अच्छे से यूज़ कर पाएंगे एक प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड। अगर आपको नहीं आता कि आप कैसे ई आधार करें तो आप होम पे जाएं इसी पे और हेल्प में से डाउनलोड आधार जाएं, तो वहाँ पे आपको आधार करने के लिए आपको आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए। आप उस पर इनरोलमेंट आईडी डाल सकते हैं, उस इनरोलमेंट आईडी के बाद जो डेट टाइम उस पर लिखा रहता है वो सब आप डाल दें, फुल नेम डालें, पिन कोड डालें और उसका जो कैप्चा कोड है वो डाल दें। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर कराया होगा अपना आधार कार्ड बनवाते टाइम पे, तो उस पर एक ओटीपी पासवर्ड आएगा, वन टाइम पासवर्ड, वो पासवर्ड डाल देंगे, उसका वैलिडेट और डाउनलोड कर देंगे तो आपको ई आधार कॉपी डाउनलोड हो जाएगी। इसके लिए आपके पास रिसिप्ट होनी चाहिए, रिसिप्ट पे लिखा हुआ एनरोलमेंट आईडी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप आधार कार्ड से भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो आधार कार्ड की डिटेल डालें और फुल नेम डालें, पिन कोड डालें, तो आपका ऐसे भी डाउनलोड हो जाएगा अगर आपके पास पहले से आधार है तो। उसके बाद आप ये कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक पर शेयर करें। मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।